फजल रहमान साहब की जो मुलाकात है एक मरतबा होती है जनरल बाजवा से, और जनरल बाजवा को फजल रहमान खुद आर्मी हाउस में जाके मिलते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं जनाब कि इमरान खान से हमारी जान छुड़वाएं। सो ये सारी चीज़ें भी जहन में रखी गई जब आप एहतजाज करने इकट्ठे निकले? देखिए, वैसे ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है, क्योंकि वो पीडीएम के हेड थे उस वक्त और पीडीएम उन्हीं के नीचे चली, और उनकी मौजूदगी में अगर उनका मौकफ दुरुस्त है तो अगर उनकी मौजूदगी में ऐसा हुआ तो फिर इतने लंबे अरसे तक इस पे खामोशी भी एक सवालिया निशान है कि क्यों खामोश रहे। होना तो ये चाहिए था कि जो बात थी वो वक्त पे आती तो एक गैर जमहूरी अमल को रोका जाता, क्योंकि ये तो बहुत संगीन इल्जाम हैं उस शख्सियत पे। और तहरीक इंसाफ तो 2 साल से यही बात कर रही है और पीडीएम इससे इनकारी थी, अब 2 साल बाद पीडीएम इसको मान गई है। मैं समझता हूँ इसका बेहतरीन हल यही है कि एक प्रॉपर जुडिशियल इसकी इंक्वायरी हो कि क्या ये इल्जाम सही हैं या गलत। अगर सही हैं तो ये बहुत संगीन इल्जाम हैं और इस पर तो फिर आगे बहुत सख्त इकदाम हो सकते हैं। बताइए इसमें इंक्वायरी में क्या किया जाए? मौलाना फजल रहमान साहब से पूछा जाए कि जनाब आपने जाके क्यों बाजवा साहब को कहा था कि इमरान खान से हमारी जान छुड़वाए? नहीं, देखिए, उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है बड़े ही जो जिम्मेदार लोग हैं मुल्क के दिफाई इदारों के, तो अगर ये इल्ज़ाम इस तरह से दुरुस्त हैं तो ये तो आइन की बड़ी बिर खिलाफ वर्जी की तरफ बात जाती है बाजवा साहब के हवाले से जो उन्होंने बात की। बाजवा साहब के हवाले से नहीं अली साहब, जब बाजवा साहब के पास आर्मी हाउस में फजल रहमान साहब की रिक्वेस्ट पे मुलाकात होती है, फजल रहमान साहब मिलने जाते हैं, फजल रहमान साहब वहाँ पे जाके बाजवा साहब को कहते हैं कि जी इमरान खान से हमारी जान छुड़वाइए, तो इसमें बाजवा साहब के खिलाफ इंक्वायरी होगी या फजल रहमान साहब के खिलाफ होगी इंक्वायरी? देखिए राज साहब, ये तो बड़ा क्लियर है कि किसी गैर जमहूरी अमल में जो भी इन्वॉल्व होता है तो उसमें तो फिर सब पे सवाल उठेगा, और जिन्होंने रोल अदा किया उन पे भी सवाल उठेगा, जिन्होंने कहा कि इस पे आप करें उन पे भी सवाल उठेगा। लेकिन इसलिए मैंने आपको ये बात की कि फिर इसकी जुडिशियल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए, और ये वही बात है जो साइफर से अगर आप लिंक करें कि बाहर से एक हिदायत या एक साइफर आया कि आप इनसे जो है जान छुड़ाएं, तो ये सारी चीजें अगर मिलके आप देखें तो ये तो 2 साल पहले एक बहुत बड़ा गैर जमहूरी अमल हुआ जिसकी आज गवाही मौलाना फजल रहमान साहब खुद दे रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में आप समझ नहीं पाए बात को। चलें, वो तो एक अलग चीज़ है जो आप बता रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुछ अर्सा पहले मौलाना फजल रहमान साहब से मौलाना फजल रहमान साहब की रिक्वेस्ट पे मुलाकात होती है, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा थे, और जब वहाँ पे पहुँचते हैं जनाब फजल रहमान साहब, और फजल रहमान साहब को वहाँ पे वहाँ कहते हैं जाके बाजवा साहब को कि जनाब आप इमरान खान से हमारी जान छुड़वाएं, वहाँ पे बाजवा साहब ने जो भी जिस तरीके से भी उन्हें हैंडल किया है वुड से फजल रहमान साहब को, वो एक हिस्ट्री है, इट इज़ फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। और उसमें उन्होंने कहा जनाब कि नहीं, आप जो है कोई अपना आईनी तरीका इख्तियार करें, ठीक है, वो आईनी तरीका वो फजल रहमान साहब का, और उसके बाद जो ज़ुबान इस्तेमाल की गई वो मैं मेंशन नहीं कर सकता जो बाजवा साहब की तरफ से की गई ज़ुबान इस्तेमाल फजल रहमान साहब के लिए। लेकिन फजल रहमान साहब बाहर निकल के जो बंदा मुलाकात करवाने लेके गया था उसकी बड़ी तारीफ़ें की उन्होंने, और उन तारीफ़ों में उन्होंने कहा जनाब के बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ा गुस्सा था उन बाजवा साहब के अंदर, लेकिन उन्होंने आपने हमें बचा लिया। देखिए, ये सारी जो ये चीज़ें हैं, मेरा तो सवाल सिर्फ ये है कि अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहने वाले और 73 के आईन की सब बातें करने वाले, वोट की इज्जत दो की बातें करने वाले, चाहे वो जरदारी साहब हों, मियाँ साहब का तो जमात का उनका तो मोटो ये था कि वोट को इज्जत दें, वो तो खैर हमने देख लिया जिस तरह हमारी जमात के एक टर्न कोट को जिस तरह साथ खड़े करके मरियम बीबी ने तस्वीर खिंचवाई, तो वोट को इज्जत दो का तो खैर उन्होंने लाज रखी खुद ही, परसों तरसों जो भी हुआ इस इलेक्शन के बाद हमारे जो एमएनए उनके साथ मिले हैं, लेकिन मौलाना साहब भी उनके साथ थे। बहरहाल मौलाना साहब ने अब सच बोला है, तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। ये जो सच है अली साहब जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, ये उन्होंने नहीं बोला, ये मैं कह रहा हूँ दिस इज फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ।